आए दिन शहर में गाड़ी चोरी की वारदातें काफी बढ़ रही है। शहर के सीताबर्डी पुलिस थाना हद में 26 जून को टीवीएस मोटरसाइकिल पुष्पकुंज कमर्शियल कॉम्प्लेक्स रामदास पेट से चोरी हुई थी, जिसे पुलिस के वाहन चोरी विरोधी विशेष पथक द्वारा जाल बिछाकर महाराजबाग परिसर में पाया गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर 10,90,000 रुपयों का मुद्देमाल जब्त किया है। आए दिन शहर में वाहन चोरी की वारदातों में इजाफा हुआ है। बर्डी पुलिस थाना अंतर्गत पुष्पकुंज कमर्शियल कॉम्प्लेक्स से फिरियादी राजेंद्र मारोतराव लोखंडे इनकी दुपहिया वाहन चोरी हुई थी। फिरियादी राजेंद्र लोखंडे इनके शिकायत पर सीताबर्डी पुलिस ने वाहन विरोधी विशेष पथक द्वारा जाल बिछा कर महाराजबाग रोड पर दुपहिया पाई गयी। इलेक्ट्रॉनिक से डिप्लोमा लिया है, इसके अलावा ये अनाथ है, उसे दारू की लत लगी हुई है और बाकी जो अपना खर्चा चलाने के लिए ये चोरियां करता था। नागपुर सिटी में ऑलरेडी इसके ऊपर 29 ऑफेंसेस रजिस्टर्ड है। जब वाहन चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी तब हम लोगों ने ट्रैप लगाना शुरू किया, स्पेशली सीताबर्डी पुलिस स्टेशन और यहाँ की जो डीबी टीम है उन्होंने 4 इससे पहले सापड़ा कार्रवाई या ट्रैप का कार्रवाई किया था, बट ये उससे बच निकला था। 5वीं हमको इसमें सक्सेस मिली है। वो 5वीं जब इसको हम लोगों ने पकड़ने की कोशिश की तो इसने भागने की कोशिश की और हमारे लोगों ने इसका तब पीछा करके इसको अरेस्ट किया है। अभी तक हमको 11 2-व्हीलर और 3 4-व्हीलर यहाँ पर मिले हैं और टोटल इसकी कीमत 10,90,000 है। इसके अलावा भी इसने कहीं पर और चोरियाँ की हैं, इसके बारे में हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू है। और ये जो आदमी है ये काफ़ी ट्रेंड है, इसने बनावट चाबियाँ बना के रखी हुई हैं, मास्टर कीज बना के रखी हुई है। ये मास्टर कीज का यूज़ करके कोई भी जो व्हीकल है उसको ये चुराने की कोशिश करता था एंड मोस्टली सक्सेसफुल रहा। मैम, काम धंधा के नज़रिए से क्या काम करता था ये? इसने एक्चुअली काम धंधा ऐसे कुछ करता नहीं है, बट ये कभी कभी एज एन एलिबाई कभी किसी स्नैक्स के शॉप पर, कभी किसी ठेले पर काम करता है, कभी ऑटो चलाता है, इस तरीके से अलग अलग काम बदलता है। पुलिस ने दुपहिया सहित कुल 10,90,000 रुपयों का मुद्देमाल जब्त किया है। आरोपी वैभव और XXX शातिर वाहन चोर है, जिसके खिलाफ शहर के विविध पुलिस थाने में 29 गुना दर्ज है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागढ़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, NBC News नागपुर।